हेलो नमस्ते, जो भी ये वीडियो देख रहा है मेरे भाइयों बहनों मेरे मित्रों सभी को नमः शिवाय। मैं अंजना जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है। आप देखिए, ये इस बॉक्स का साइज़ देख लीजिए प्लीज़। इस बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स कह सकते हैं या कॉरिक्रेटेड बॉक्स है। ये पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ है और इस पार्सल की जो पैकेजिंग है और टेपिंग है वो बहुत ही शानदार है। इट्स अ वेल पैक्ड बॉक्स। मुझे डिलीवरी बहुत सिक्योरली मिली है। आप जैसे देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर ये दूसरा बॉक्स है और उसके अंदर डाल के मेरा सामान मेरे तक पहुँचाया गया है। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मेरा सामान इतना अच्छे से, इतना प्यार से, वेल पैक्ड सिक्योरली मेरे तक पहुंचाया गया है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने मेरा एड्रेस किसी कारणवश छुपाया है, लेकिन जिनसे मैंने मंगवाया है या जिन्होंने मुझे ये भेजा है उनका नाम हेमंत नामदेव जी हैं। ये विलेज बकावा से बिलोंग करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट खड़गांव में है और इनका पिन कोड मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। जिनको नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट खड़गांव इज़ इन मध्य प्रदेश एंड वहाँ से ये पार्सल मुझे मिला है। स्पीड पोस्ट है और ये इंडियन पोस्ट से मुझे भेजा गया है। मैं आपको एक बार दिखाऊं, जब इन्होंने मुझे पार्सल भेजा था, ये देखिए आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट, और ये मुझे आज रिसीव हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं इनको कैसे जानती हूँ या कैसे जान पाई हूँ, तो द अदर डे मैं YouTube देख रही थी। YouTube पे कई वीडियोस थे और देखते देखते मैं इनके चैनल को मैंने देखा। इनके चैनल का नाम है नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट और ये हेमंत जी का चैनल है। और वहाँ मैंने देखा हेमंत जी के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और ये वीडियोस इतने खूबसूरत, इतने प्यार से तराशे गए शिवलिंगों के बारे में था। इन शिवलिंगों की खासियत ये है कि ये माँ नर्मदेश्वर से प्राप्त होते हैं। माँ नर्मदेश्वर के बारे में जिनको नहीं पता, मैं बताऊँ, माँ नर्मदेश्वर को आशीर्वाद है हमारे प्यारे, हमारे भोले, हमारे शिव का, कि माँ नर्मदेश्वर के हर कंकर, हर पत्थर में शंकर बसेंगे। और ये हम इन पत्थर की आकृतियों में साक्षात देख सकते हैं। इन पत्थरों में जो आकृतियाँ दिखती हैं, तिलक की, त्रिशूल की, ओम की, ये बेहद खूबसूरत हैं। और माने मेरा विश्वास करें, ये सब नेचुरल हैं, टोटली प्राकृतिक हैं। और हेमंत नामदेव जी माँ नर्मदेश्वर नदी से ये कंकड़, ये पत्थर हर साइज़ के, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंग के, मतलब इतनी वैरायटी है, ये लाते हैं, उनको तराशते हैं, उनको बनाते हैं। और बनाने से मेरा मतलब है इन पत्थरों को गोलाई देते हैं, शिवलिंग के आकार देते हैं। और ये सब आप इनके चैनल पर बेशक देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार से ये बनाते हैं, वीडियो डालते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काम, अगर आप इसको काम के हिसाब से ना देखें तो हेमंत नामदेव जी एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये घर घर शंकर पहुंचा रहे हैं। और जब मैंने इनके वीडियोस देखे, इनके हर वीडियो में इनकी डिटेल है, मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इस पे मैंने इनसे संपर्क करा। और मुझे, मैं आपको बताऊँ, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है पूजा पाठ का, लेकिन मेरी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी कह सकते हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार अपनी लाइफ में शिवलिंग मंगा रही हूँ और एक मन में मेरी थोड़ी डाउट था कि पहला एक्सपीरियंस है, मैं मंगा कैसे पाऊँगी, ये जो दिख रहा है वही मिल पाएगा क्या। तो बेशक इन्होंने जितना समय दिया मुझे और जितना इन्होंने मेरी सहायता करी समझाने में, क्योंकि इनके पास जो शिवलिंगों की वैरायटी है वो इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की है कि हम भोले, हम हमारे शिव को प्यार से कितने नाम देते हैं, तो सोचो उनके जो पत्थर हैं उनके तो हज़ारों ही नाम हैं। कुछ मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय, स्वयंभू, ओमकार, नीलकंठ, अर्धनारेश्वर, त्रिलोचन, जनेयू। तो इन सब के बारे में इन्होंने मुझे बताया कि कैसे इनके नाम हैं और ये कैसे विभिन्न प्रकार के हैं। और जो इन्होंने मेरे को बहुत फ़ोटोज़ वीडियोस भेजे, और जिस शिवलिंग के अंदर मुझे मेरा शिव साक्षात दिखा, मैंने वो शिवलिंग इनसे मंगाया है और वो ही इस पार्सल में मेरे पास आया है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिला है, कैसा मिला है। तो आइए चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। Oh, 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 oh
तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, जो पैक्ड बॉक्स था, जो मेरा पार्सल था, मैंने आप सभी के सामने उसकी अनबॉक्सिंग करी है। वो बॉक्स पहले से बिल्कुल भी खुला नहीं था। मैंने ब्लेड से खुद आप सबके सामने उस बॉक्स को काटा है और हर प्रोडक्ट को निकाला है। इंडिविजुअली मैंने ब्लेड से जो रैप्ड प्रोडक्ट्स थे उनको अनरैप करा है और आपके सामने ये पांच चीज़ें उस बॉक्स में से निकली हैं। ये पांच चीज़ों का सेट मैंने हेमंत नामदेव जी से मंगवाया था। वैसे तो छः पीस का भी सेट आता है, वो छठी चीज़ की मुझे ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि जो छठी चीज़ थी वो एक ब्रास का स्टैंड था, उस पर ब्रास का ही लोटा लगता है। उस लोटे के अंदर बीच में छोटा सा छेद होता है और अगर आप उस ब्रास के स्टैंड के ऊपर वो लोटा रख दें पानी भरकर, तो उस लोटे में से जो छेद है उसमें से धीरे धीरे रिस रिस के पानी गिरता रहता है हमारे शिवलिंग पे और वो अभिषेक करने के काम में आता है। मुझे उसकी ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने हेमंत जी को सिर्फ पांच चीज़ों का सेट भेजने के लिए ही बोला था। तो ये पांच चीज़ें हैं, जिसमें से पहली चीज़ें हमारी नंदीदेव, दूसरा है हमारा त्रिशूल, तीसरा है हमारे नाग देवता, चौथे हमारे शिवलिंग और पाँचवें है हमारी जलाधारी। एक एक करके मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि इनकी प्रोडक्ट टेक्सचर कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट वेट कैसा है और एंड इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर कहीं भी मुझे ऐसा लगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है या कोई चीज़ में पॉलिश या उसकी सफाई नहीं है, तो मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नंदीदेव से। ये हमारे नंदीदेव हैं, एज़ यू कैन सी ये वाइट मार्बल में हैं बने हुए। ये 2 इंच के नंदीदेव हैं, आप इनकी कार्विंग्स ढंग से देख सकते हैं। मैंने इसको फोकस में लिया है, जूम भी कर रखा है। आप देखिए ये वाइट मार्बल के ऊपर कितने सही से, कितनी सफाई से इनने इसको तराशा है। जिस तरीके से हमारे नंदीदेव का एक पांव बाहर और दूसरा पांव अंदर की तरफ होना चाहिए, जैसे इनकी पीठ होनी चाहिए, जिस तरीके से इनकी पूंछ होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत मन से बनाई हुई चीज़ लग रही है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ बहुत प्यार से तराशी गई है। ये 2 इंच की है, मैं वापस बोल रही हूँ, और ये वाइट मार्बल में है। एंड टू माय सरप्राइज़ ये 2 इंच के होते हुए भी काफ़ी इनका वेट है। एंड वाइट मार्बल तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, वेट से उनका बहुत क्वालिटी की पहचान होती है वाइट मार्बल की। आप देख सकते हैं नंदी महाराज की हमारी जो आँखें हैं, मुस्कुराता चेहरा है, हमारे भोले से प्यारे से नंदीदेव हमारे पास आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको प्रोडक्ट, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो आप बेशक ऑनलाइन कहीं पर भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में आप वाइट नंदी लिखिए, क्योंकि मैंने ये करा है, मैंने खुद देखा है। तो जब मैंने सर्च करा था तो वहाँ पर जो इमेजेस आई थी वो देख के ही पता लग रहा था कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है और बिल्कुल भी सफाई से उसको तराशा नहीं गया है। और फिर भी मैंने जिन लोगों ने उस ऑनलाइन बाय करा है उनके रिव्यूज़ देखे, तो रिव्यूज़ में भी उनका एक्सपीरियंस कुछ खास था नहीं, काफ़ी बुरा था। तो मैं इसलिए बहुत श्योरिटी से आपको ये अश्योरेंस दे रही हूँ कि मैंने ये चीज़ कंपेयर करके मंगाई है और ये क्वालिटी वाकई बहुत सुपीरियर है, ये क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। तो ये हमारी पहली चीज़ है 5 के सेट में से, हमारे प्यारे नंदीदेव। मैं इनको यहाँ बैठा रही हूँ। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। ये हमारे दूसरी चीज़ है हमारा ब्रास का त्रिशूल। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, सफाई से काम करा गया है, पॉलिश इसकी बहुत अच्छी है। एंड अगेन टू माय सरप्राइज़, जो भी मेटल होता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सिल्वर हो, ये वेट से होते हैं और वेट से इनकी पहचान होती है। और ये ब्रास का जो त्रिशूल है, टू माय सरप्राइज़ मैं वापस कहूँगी, ये वेट में काफ़ी कंपेरेटिवली अच्छा है और सफाई से इसका काम दिख ही रहा है। कहीं पर भी ऐसा कोई तोड़ फोड़ स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपको ढंग से पास से भी जूम इन करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि आप जिस भी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं वही चीज़ आपको मिल रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जितना मैंने पे करा है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे मिली है। क्योंकि कई बार हम मार्केट में जाते हैं और हम अपना हार्ड अर्न मनी स्पेंड करते हैं चीज़ पर, कहीं चीज़ में 19-20 खराबी या हमारे हिसाब से ना बनी हो चीज़ हमें मिले, तो थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, बुरा लगता है कि हमने हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसे दिए और चीज़ हमारे हिसाब की यार बनी नहीं। तो ये चीज़ मेरे मन में आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली है और मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी चीज़ है, ब्रास का त्रिशूल। तो ये मैं इसको यहाँ खड़ा कर देती हूँ। अब हम अपनी तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, जो हमारे नाग देवता हैं। अब इसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये बहुत बड़े साइज़ के नाग देवता हैं, ये ब्रास के नाग देवता हैं, ये अगेन मेटल है
और इसके ऊपर जो भी सफाई से काम हुआ है आप खुद देख सकते हैं। मैं बहुत आराम से आपको चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट क्वालिटी की अश्योरेंस के साथ कोई डाउट ना रहे कि कहीं पे भी चीज़ जल्दीबाजी में ना बनाई हो, कहीं चीज़ हल्की सी भी किसी कोने में सफाई से काम ना किया गया हो। बहुत प्यारा है। हेमंत जी से जब मेरी बात हो रही थी नाग देवता के लिए, तो उनके पास बहुत वैरायटी है नाग देवता की। अगर आपका शिवलिंग छोटे साइज़ का है तो आप उस साइज़ के अकॉर्डिंग नाग देवता मांग सकते हैं, और जो भी नाग देवता आपको पसंद आए आप उनसे ले सकते हैं। वो आपको फ़ोटो के साथ अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये वाला मेरा जो शिवलिंग है वो 3 इंच का है, तो मुझे ये बड़ा नाग देवता अच्छा लगा, तो उनसे मैंने यही मंगाया। और उनने मुझे बेशक वही चीज़ भेजी है, वो दूसरी चीज़ नहीं भेजी। तो ये हमारी तीसरी चीज़ है, ब्रास के नाग देवता बड़े साइज़ के हैं। अगेन मैं बोलूँगी वेट इसका काफ़ी अच्छा है, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ये बड़े हैं, बड़े साइज़ में है तो इनका वेट भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी 1% भी क्वालिटी में डाउट नहीं है। अब हम अपनी चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं, जो है जलाधारी। मैं शिवलिंग को थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ शिवलिंग के बारे में, तो ये हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम हमारी जलाधारी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए काफ़ी विस्तार में बताना है मुझे काफ़ी कुछ। तो ये हमारी जलाधारी है, एक बार मैं इसको मोड़ के दिखाऊँ। ये जो आकृति है डमरू की, जलाधारी दो प्रकार की आती है। एक होती है ज़मीन से चिपकी हुई, जिसको प्लेट जलाधारी बोलते हैं या फ्लैट जलाधारी बोलते हैं, और दूसरी आती है इस प्रकार की, ये डमरू के आकार की। तो इसको हम डमरू आकार की जलाधारी बोलते हैं या डमरू जलाधारी बोलते हैं। जो डमरू जलाधारी है ये जनरली उन लोगों के लिए है जो शिवलिंग घर में रखते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं घर भी शिफ्ट करें तो आप इस डमरू की जलाधारी को अपने नए घर में या कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ इसकी स्थापना वापस कर सकते हैं। क्योंकि डमरू की जलाधारी को चल जलाधारी भी बोलते हैं, जिसको आप ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं पे भी अलग अलग स्थान, आप जहाँ पे भी जाएं अपने साथ अपना शिवलिंग ले जाएं और वहाँ उसकी स्थापना करें। जो ज़मीन से चिपकी हुई जलाधारी होती है, जिसको हम फ्लैट जलाधारी या प्लेट के आकार की जलाधारी बोलते हैं, वो अचल होती है, वो हम ज़्यादातर मंदिरों में देखते हैं। तो उसको आप एक बार स्थापना के बाद उसको कहीं और ले जा नहीं सकते, ये शास्त्रों के हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो मैंने ये डमरू आकार की जलाधारी मंगाई है, और इसकी भी एक खासियत है कि जिस स्टोन से ये बनी है, ये स्टोन भी हमारी माँ नर्मदेश्वर नदी से ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन है बीच में, ये स्टोन से ही पूरी बनी हुई है। इसके ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिश की गई है, ये पॉलिश भी बहुत अच्छी है, ये बहुत स्मूथ है। और जैसे जैसे आप अपने शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे रोज़ और पानी डालेंगे, ये उतना ही और स्मूथ होता जाएगा। ये नर्मदा नदी का ही स्टोन है, और इसी को इनने ये डमरू आकार की जलाधारी बनाई है। ये जलाधारी 6 इंच की है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आपका जो भी साइज़ का शिवलिंग हो उससे 2 गुना बड़ा जलाधारी होनी चाहिए। तो मेरा जैसा शिवलिंग 3 इंच का है, तो ये 6 इंच की जलाधारी है। और आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपको अपने शिवलिंग और जलाधारी जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो अपने घर में आपकी ज़िंदगी में, तो आप अपनी जलाधारी जहाँ से अभिषेक का ये पानी गिरता हो उसको हमेशा उत्तर दिशा में रखें। जैसे जलाधारी का जो मुंह है ये हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसका जो अभिषेक का पानी है आप करते हैं, जब अभिषेक रोज करते हैं, तो वो उत्तर दिशा में गिरना चाहिए। और आप इसको जहाँ पे भी रखें, अपने पूजा आला में रखें, या आप इसको अपने घर के मंदिर में रखें, या कहीं बाहर खुले में रखें, आपको अपना शिवलिंग और जलाधारी कभी भी तुलसी के पास नहीं रखनी है। तो ये कुछ बातें हैं, आप इनका ध्यान रखें, आप दिल लगा के प्रार्थना करें, अपने शिवलिंग से बहुत प्यार करें, और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपको पूरा लाभ मिले, उसके लिए मैंने आपको बताया। और ये मेरी जलाधारी है, आप देख सकते हैं। ये स्टोन, मैं फिर से कहूँगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये 1 वजन से मैं आपको मोड़ के तो दिखा रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी भारी स्टोन है। ये जलाधारी मैं एक हाथ से उठा तो नहीं पा रही हूँ, इसका वज़न काफ़ी है। ये हमारी जलाधारी है, और मेरे को ये जलाधारी में भी हेमंत जी के पास काफ़ी डिज़ाइन है, यहाँ डॉट होते हैं, कोई डिज़ाइन बनी होती है, कोई सीधी होती है। तो आप जैसी जलाधारी चाहें वो आपको वीडियो या फ़ोटो आप जो मांगेंगे, वो बहुत ही साफ़ मन के इंसान हैं, वो बहुत मदद करते हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको ये कहा था कि मुझे ये डमरू वाली जलाधारी चाहिए, और मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए, और मेरे को मेरे मन के हिसाब की जलाधारी मिली है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं, जैसा साफ मन, साफ सब कुछ मुझे चाहिए, तो मुझे वैसी ही मिली है। ये हो गई हमारी जलाधारी, उत्तर दिशा में होनी चाहिए, उत्तर मतलब नॉर्थ, इसमें आप वो नॉर्थ की तरफ इसका ये जलाधारी का मुंह होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। अब हम आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी चीज़ पे, जो है हमारा शिवलिंग।
जिसमें हमारा मन बसता है, हमारा भगवान बसता है, पूरा ब्रह्मांड बसता है, हमारे सपने, हमारी प्रार्थनाएं, सब सब ये है। और ये एक बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग है। आप साक्षात इसके अंदर देख सकते हैं, आधा शिव का रूप है, आधा माँ पार्वती का रूप है। और ये जो एक चंदन का तिलक जो मैं देखती हूँ, वो जो मुझे बहुत भाया, क्योंकि मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ तो जो माँ पार्वती के ऐसे प्रतीत होता है कि ये चंदन का तिलक है। और ये अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इसमें आधा शिव और आधा पार्वती का स्वरूप है ये। और आप जो भी शिवलिंग मांगें, आप उस वो शिवलिंग लें जिसके अंदर आपको अपनी आराधना दिखे, आपको अपना शिव अपना हमारे शिव के लिए आपको अपना प्यार दिखे, जिस शिव में, जिस भी शिवलिंग में आपको अपना शिव दिखे, अपना भोला दिखे, आप उस शिवलिंग को मंगाएं। चाहे शिवलिंग कोई भी हो, स्वयंभू हो, तिलकधारी हो, इस महाकाल शिवलिंग हो या अर्धनारेश्वर शिवलिंग हो। वैसे फॉर मैरिड कपल्स, फॉर घर के लिए ये अर्धनारेश्वर शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग आधा भाग में, दो कलर्स में आधा डिवाइडेड हो। और ये बिल्कुल मैन मेड नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्रकृति से ही बना है ये। इसको बस गोलाई करके इसको तराशा गया, इसको शिवलिंग का आकार दिया गया है। और ये माँ नर्मदेश्वर नदी का स्टोन है, वहीं से हेमंत नामदेव जी लाए हैं। और आप अगर इस स्टोन की क्वालिटी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस स्टोन की क्वालिटी खुद देखें, क्योंकि हेमंत जी के चैनल पे उनने खुद ने इसका, ये दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इसका खुद वीडियो दिया है। ये मेरा वीडियो है और आप दोनों वीडियो में स्टोन को खुद देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसा वीडियो में उनका स्टोन है, ये वही स्टोन है, ये वही उनने मुझे भेजा है। तो आपके मन में कोई भी शंका हो कि यार मेरे को जो शिवलिंग पसंद है क्या वही आएगा, कहीं और कुछ ना आ जाए, कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो मांगा मुझे वही मिला। तो ये मेरा शिवलिंग है, ये मेरा अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये बहुत दुर्लभ है और मेरा इसमें पूरा मन है, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा शिव और पार्वती, मेरा पूरा परिवार है। तो ये मेरा शिवलिंग है, आप अपना शिवलिंग ज़रूर मंगाएं, आप अपना टाइम निकालें, उनके चैनल पे जाएं, ज़रूर उनका चैनल देखिए और आपको बहुत सहायता मिलेगी। और आपको जो भी शिवलिंग पसंद आए, आप उनसे बात करें, बेझिझक उनको संपर्क करें। और आपको मंगाना हो तो आप बेशक मंगा सकते हैं। ये जो मैंने मंगाया था, मेरा मन था, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने जो चाहा मुझे मिला, तो मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करें, नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। और जो भी वीडियो आप देखें, प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक काम नहीं है। मैं वापस बोलूँगी, हेमंत नामदेव जी बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। मतलब आज अगर मेरे पास मेरा शिवलिंग है तो उनकी सहायता से है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब एक उपकार ही है कि उन्होंने, उनकी वजह से मुझे सीधा बकावा गांव से, माँ नर्मदेश्वर नदी से जो पत्थर है, सीधा वो उनने मेरे तक पहुंचाया। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये बहुत नेक काम है। घर घर शंकर हो, हर के मन में शंकर हो। और आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करें अगर आप चाहते हैं मंगाना। और प्रोडक्ट क्वालिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ये वीडियो इतने डिटेल में इसलिए बना रही थी ताकि आप में से किसी को कोई डाउट ना हो, और अगर कोई डाउट है तो बेझिझक आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको जैसा जो भी चाहिए आप उन्हें बोलिए, वो वीडियो कॉल, फ़ोटो, हर चीज़ के थ्रू आपकी मदद करेंगे। और अगर आपको 6 का सेट मंगाना है तो वो मंगा सकते हैं, 5 का सेट मंगाना है तो वो मंगा सकते हैं। चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम अपने घर में शिवलिंग मंगा सकें। और मैं जितना धन्यवाद दे सकूं हेमंत नामदेव जी का, वो कम है, क्योंकि आज मेरे पास जो है वो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ट्रैवल करके खुद ला पाऊँगी। और अगर बात अफोर्डेबिलिटी की आती है कि भाई कितना महंगा है क्या है, तो आपको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि बिल्कुल भी जो मार्केट की प्राइस है शिवलिंग की, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये मतलब इतने कम में, इतनी कम प्राइस में मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी मिली, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी खुशी आप सबके साथ बांटी है। और बस अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सही रहें, और आपके मन में शिव हमेशा बसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमंत नामदेव जी, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे हो सके तो मैं आपसे और शिवलिंग मंगाऊंगी। और
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हर चीज़ मतलब इतनी अच्छी थी, और तो मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। तो सबके लिए, आप सब को अगर मंगाना हो तो मैं वापस बोलूँगी, नंबर आपके पास है, और अगर आपको नंबर, अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं करा था तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ नंबर, उनकी डिटेल, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। ये उनकी डिटेल है, मैं फोकस में ले लेती हूँ, हेमंत नामदेव जी हैं, ये उनका नंबर है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप उनसे ज़रूर बात करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, नर्मदे हर। थैंक यू।